नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्यावर्त की गाथा में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि दुनिया के सभी देश कोरोना वायरस से प्रभावित है। इस मुश्किल स्थिति से हमारी जंग जारी है। अभी तक विश्व में 32,56,000 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। वहीं भारत में 35,000 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। इनके अलावा कई लोगों ने अपना रोजी रोटी भी खोया है। काफ़ी संख्या में लोगों का विस्थापन एवं बेरोजगारी हुआ है। इस महामारी से बचने का सबसे सरल उपाय लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी है। सभी देशों ने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया है, जिसके अंतर्गत सभी फैक्ट्रियां, कार्यालय एवं हर तरह के वाहनों पर रोक लगा दिया गया है। आज हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण पर लॉकडाउन का सकारात्मक असर के बारे में। वुहान, जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, यह एक उद्योग केंद्र है। वुहान का वायु प्रदूषण स्तर काफ़ी खतरनाक था, जो एक जानलेवा स्थिति थी। ये अब 21% कम हो गया है और इसकी वजह है लॉकडाउन। इटली का वेनिस शहर का कैनाल एकदम साफ हो गया है। इसका पानी इतना साफ हो गया कि इसमें मछलियां तैरती दिखाई देती है। सेंटिनल एसपी सैटेलाइट के हिसाब से पर्यावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की काफ़ी कमी हुई है। यह CO2 के बाद सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है। इससे लोगों को हृदय संबंधी एवं सांस संबंधी बीमारियां होती थी, जिनमें अब काफ़ी कमी होगी। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस उन लोगों को असर करता है, सबसे ज़्यादा असर करता है जिनको सांस एवं हृदय संबंधी बीमारी है। तो इस वजह से अगर वातावरण में प्रदूषण की कमी होगी तो लोगों को कोरोना वायरस से बचने में भी मदद मिलेगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में काफ़ी कमी आई है, जिससे आगे चलकर काफ़ी कम दिक्कतें आने वाली है। दिल्ली में लॉकडाउन के वजह से PM2 पार्टिकल में 71% की गिरावट आई है। एक सप्ताह के अंदर PM2.5 का स्तर 91 से 26 हो गया है। PM2 का स्तर अगर 25 से ज़्यादा होता तो ये हमारे स्वास्थ्य एवं सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। PM2.5 छोटे छोटे कण होते हैं जो फैक्ट्रियां एवं वाहन के धुओं से निकलता है और ये हमारे फेफड़ों में जाके जम जाता है, और फेफड़ों में जम जाने के बाद हमारे शरीर के हर भाग में जाकर तरह तरह की बीमारियां एवं दिक्कतें पैदा करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 52 पर क्यूबिक मीटर से घटकर 15 पर क्यूबिक मीटर रह गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मुंबई, चेन्नई एवं बेंगलोर में प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। आकाश जो पहले एकदम धुंधला एवं गंदा दिखाई देता है, अब एकदम साफ और नीला दिखाई देता, और ये हमारे आँखों को बहुत ही लुभावना लगता है। गंगा का पानी एकदम साफ एवं सफ़ेद हो चुका है। कुछ लोगों की माने तो ये पुनः पीने लायक हो गया है। गंगा की पानी को जो हम बरसों से प्रयास कर रहे थे कि ये साफ हो जाए, जो कि हमसे नहीं हो रहा था, अब काफ़ी मात्रा में इनकी सफाई हो चुकी है। यूरोप में काफ़ी अच्छा असर दिख रहा है, जिससे वातावरण में प्रदूषण की कमी आई है। कुछ लोगों की माने तो उत्तर भारत से अब हिमालय पर्वत भी दिखाई देता है। आसमान इतना साफ एवं सुथरा हो चुका है कि हम बहुत दूर स्थित हिमालय पर्वत को भी देख सकते हैं। इनके अलावा भारत में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा था, जिससे लोगों को फेफड़े एवं सांस से संबंधित बीमारियां हो रही थी, जिसमें अस्थमा आदि बीमारी शामिल है। इन चीज़ों में भी काफ़ी कमी आने की संभावनाएं देखी जा रही है। ऐसा कहना मुश्किल है कि ये सकारात्मक बातें कब तक टिकेगी, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम पुनः पर्यावरण एवं प्रकृति को हानि पहुंचाना शुरू कर देंगे। हमें एक सतत एवं मजबूत स्थिति बना है, जिसमें प्रकृति एवं मनुष्य
को एग्जिस्ट करें जिसमें सबके लिए बराबर का योगदान और बराबर की स्थिति पैदा रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।